जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से उनके गुणों का गान करने मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। यह जीवन परम आनंद, ऐश्वर्य और रस सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवदीय कृपा से सब कुछ अनुकूल होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम वररूथनी एकादशी है, यह अत्यंत पवित्र है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से यह संवाद करते हुए कहते हैं कि माधव, ऐसा कौन सा व्रत उपवास है, ऐसी कौन सी तपश्चर्या है जिसको करने से यह जीव जीवन मुक्त हो जाए, परमात्मा की अहितु की कृपा प्राप्त हो जाए और सहस्रों वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर जी को बतलाते हैं कि यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस जगत में यह एकादशी, जिसका नाम वररूथिनी एकादशी है, ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसको करने वाले मानधाता जैसे महान प्रतापी राजा और धुंधुमार जैसे राजागण जीवन मुक्त हुए हैं। परम आनंद और ऐश्वर्य को इन्होंने प्राप्त किया है। जो भी वररूथनी एकादशी को करता है उसे स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोक प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर जी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े के दान करने से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भी भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से भी श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से भी अधिक श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है, स्वर्ण के दान से भी श्रेष्ठ अन्न का दान परम श्रेष्ठ दान है, क्योंकि इस पर ही संपूर्ण संसार टिका हुआ है। अन्नमय कोष के भरण पोषण के उपरांत ही जिजीविषा जीवन अपने क्रम में चलता है। उसी प्रकार अन्नदान का जैसे महान महात्म्य है, उसी तरह कन्यादान का भी अत्यंत महत्व है। कन्यादान का मान बहुत ज्यादा बताया गया है और कन्यादान के समान ही धेनु का दान, गौ माता का दान भी परम श्रेष्ठ बताया गया है। और इन समस्त दानों से श्रेष्ठ दान विद्या दान कहा गया है, क्योंकि जिसके पास विद्या होती है उसके पास संपूर्ण संसार की चाबी होती है। रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। वाणी में ज्ञान ही स्फुट रूप से प्रकट होता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। इस संसार के सारे पदार्थ समय समय पर मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी आभूषण अथवा अंगराग एक समय के बाद शोभाहीन हो जाते हैं, लेकिन वाणी का जो दिव्य ज्ञान प्रसाद है वह सदा ही अमर रहता है। विद्या, विनय, विचार और इसका प्रकटीकरण परमात्मा की अनंत अहैतु की कृपा से हो पाता है। शास्त्र संकेत करते हैं
कि जीव को विद्या के द्वारा उपार्जित दिव्य अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। कभी भी अपनी दी हुई कन्या, जो संपूर्ण अलंकारों से सज्जित कन्या जिसका हम दान करते हैं, उसके द्वारा अर्जित धन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र संकेत कर रहे हैं, कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः पुण्यक्षयात् ते गच्छन्ति निरयम् यातनामयम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यम् कन्यकाधनम्। एकादशी करके व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से कुछ सावधानियां करनी चाहिए। व्रती वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दो बार का भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। दशमी की तिथि में ही वह इन सभी वस्तुओं का सेवन न करे। कांस्यम माशम मसूरांश्च चणकान कोद्रवांस तथा शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयेत। इस प्रकार जातक को सावधानी रखनी चाहिए। एकादशी की तिथि में जिन 11 वस्तुओं के विषयों के संबंध में बताया गया है, वह भी अत्यंत महनीय है। शास्त्र बतलाते हैं कि एकादशी के दिन में इन 11 वस्तुओं का निषेध करना चाहिए। जुआ न खेले, नींद न ले, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 वस्तुओं का बातों का निषेध बताया गया है। तात्पर्य यह है कि एकादशी के दिन में अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए और शास्त्रोक्त इन 11 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। द्यूतक क्रीडां च निद्रां च तांबूलं दंत धावनं परापवादं पैशुन्ये स्तेयं हिंसां तथा रतिं क्रोधं चान्रत वाक्यानि ह्येकादश्यां विवर्जयेत। इस प्रकार एकादशी को 11 चीजों का निषेध करके द्वादशी की तिथि में सावधानी बरतते हुए 12 चीजों के ऊपर शास्त्र प्रकाश डालते हैं। शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि हम अपनी जीवनचर्या कैसे जिए, दशमी को क्या करें, एकादशी को क्या करें, द्वादशी तिथि में जिन 12 चीजों का निषेध किया गया है शास्त्रों में, उसका भी उल्लेख मिलता है। द्वादशी तिथि को कांस, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, दो बार भोजन और मैथुन सहित बैल की पीठ पर सवारी करना और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना बतलाया गया है। कांस्यम माशम सुराम क्षौद्रम तैलम पतित भाषणम
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठं मसूरान्नं द्वादश्यां परिवर्जयेत। इस प्रकार वर रूथनी एकादशी को अत्यंत सावधानी पूर्वक इस तरह संयम नियम से रहने पर जीव को अपार यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और इस शरीर के बाद हमें दिव्य लोक गमन होता है और इसको करने से पाप भीरु मनुष्यों को तो विशेष लाभ होता है क्योंकि वे सावधान रहते हैं। हम अपनी क्रिया के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित बना लेते हैं। यह हमारा जीवन चक्र व्यवहार का ही परिणाम है। क्रिया के माध्यम से हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, समस्त पापों का क्षय करके दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी यह वररूथनी व्रत करता है इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को, उसे सहस्राधिक गौदान का फल प्राप्त होता है, विद्यादान का फल प्राप्त होता है और अनंत यश कीर्ति मान प्राप्त होता है। यह संपूर्ण जगत जो परमात्मा का ही प्रसाद है, भगवान ही विभिन्न रूपों में इस जगत में व्याप्त है, वे ही इसके निर्माण करता है, वे ही इसमें संचरण कर रहे हैं, वे ही हमें माया के बंधन में डालते हैं और वे ही हमें मुक्त करते हैं। हमारी चेतना इस शरीर से, हमारे मन मस्तिष्क से पृथक एक दिव्य ऐसा आलोक है जो परमात्मा की कृपा के रूप में हमारे साथ है। हम अपने जीवन में संयमित आहार, संयमित विचार एवं संयमित क्रिया के माध्यम से पाप मुक्त हो जाते हैं, अलौकिक दिव्य जीवन प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने यह अवसर प्रदान किया है कि हम कैसे भगवत कृपा प्राप्त करें, कैसे हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि, सुधार और परम आनंद की अनुभूति होने लगे। परमात्मा की कृपा से ही हम सब पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय संस्थान में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के स्नेह सौख्य से यह ज्ञान के प्रकाश का आलोक फैला रहे हैं। संपूर्ण जगत में भारतीय मनस्विता की दिव्य चेतना का प्रसार कर रहे हैं। आप सभी को वररूथनी एकादशी व्रत की यह पावन कथा आपके जीवन में मंगलमय और भगवदीय कृपा का आलोक फैलाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।